यमी वेजी कुकिंग चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना प्लीज मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को दबाना, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू टिक्की चाट। आलू टिक्की चाट को कई नाम से जानते हो, रगड़े पैटीज भी बोल सकते हो आप इसको। अभी हमारे इसको कटोरी में सर्व किए तो कटोरी चाट भी बोल सकते हैं। अब हम कटोरी चाट बनाने चलते हैं। कटोरी चाट बनाने के लिए पहले हम कटोरी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने एक कप मैदा लिया। उसमें हम आधा चम्मच अजवाइन डालेंगे, उसमें आधा चम्मच नमक डाला है हमने। अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे। अब हम इसको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद इसे हम उठा के ऐसे बाइंड करके देखते हैं कि ये अच्छे से बाइंड हो रहा है कि नहीं। इससे पता चलता है कि हमारा खस्ता सही होगा इस तरह से। इसमें अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा लगा लेते हैं। पानी को थोड़ा थोड़ा ही डालना है। इस तरह से अच्छे से आटा गूंद लेंगे। आटा एकदम हमें सॉफ्ट नहीं लगाना है। कटोरी चाट के लिए हमारा आटा लगभग तैयार हो चुका है। अब हम इसके ऐसे बॉल्स बना लेंगे छोटे छोटे, और सूखे आटे से डस्ट करके इसको हम रोल कर लेंगे। इस तरह से रोल कर लेंगे और कटोरी लीजिए, उसके ऊपर तेल लगा के फिर हम इसको ऐसे कटोरी के ऊपर अच्छे से फैला लेंगे प्रेस करते हुए। तेल लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नहीं निकलेगा। और उस पर आप फोक से प्रेस कर लीजिए, नहीं तो कटोरी फूल जाती है। अब हम गरम तेल में इसको डालेंगे और ऐसे थोड़ा सा छोड़ देंगे। उसके बाद आप खुद ही देखेंगे कि हमारी कटोरी बाहर आने लगेगी। इस तरह से हिला लीजिए, देखिए कटोरी बिल्कुल आसानी से बाहर आ चुकी है। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे पलट के दोनों साइड से। हमारी कटोरी बनके तैयार है। अब हम इसको रख देते हैं और हम टिक्की बनाने चलते हैं, जिसके लिए हमने आलू पहले से ही बॉयल करके रखा हुआ था। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे आधा चम्मच, भुना हुआ जीरा डालेंगे आधा चम्मच, नमक कॉर्नफ्लावर डालेंगे 1 चम्मच। उसके बाद इसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे, गुठलियां नहीं हो इस तरह से अच्छे से मैश कर लेंगे। और इस तरह हाथों पे लेके छोटे छोटे बॉल्स टिक्की जिस शेप में आपको बनानी हो वैसे बना लेंगे। इस तरह से हम बना रहे हैं, इसी तरह से हम बाकी की टिक्की भी बना के तैयार कर लेंगे। इस तरह से मैं टिक्की बनके तैयार है। इसको हम कम से कम 2 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे, उसके बाद हम फ्राई करेंगे। अब हम रगड़ा बनाने चलते हैं, या मटर हम चाट के लिए बना रहे हैं। उसके लिए हमने तेल लिया हुआ है 2 चम्मच, और उसमें हमने 1 चम्मच जीरा डाला और कटी हुई प्याज 1 ली है हमने। उसको हम भून लेंगे। इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं। हरी मिर्ची मैंने नहीं डाली है, आप तीखा पसंद करते हो तो आप डाल सकते हो। अब हम इसमें 1 टमाटर बारीक कटे हुए डालेंगे और इसको भूनेंगे। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। इसमें 1 चम्मच सब्जी मसाला डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इन सबको हम अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद हम इसको ढक कर 2 मिनट तक पकने देंगे। 2 मिनट बाद आप देखिए हमारे मसाले भून चुके हैं। अब हम इसमें बॉयल किए हुए मटर जो हमने रात भर भिगोए थे उसको डालेंगे, फिर अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे।
इसको ढककर 5 मिनट धीमी आंच पे पकने देंगे। 5 मिनट बाद आप देखिए हमारा मटर बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम टिक्की फ्राई करने चलते हैं। टिक्की फ्राई करने के लिए हम पैन में इस तरह 2 चम्मच 1 चम्मच तेल डाल लेंगे। हमें सेलो फ्राई करना है, तेल ज़्यादा नहीं डालेंगे। इस तरह से हम टिक्की को उस पर डालेंगे, साइड साइड से थोड़ा सा तेल और डालेंगे। इस तरह अच्छे से पलटते हुए हम टिक्की को फ्राई करेंगे। टिक्की को हमें दोनों साइड से अच्छा क्रिस्पी बनाना है। आराम आराम से बीच बीच से पलट के हम दोनों साइड से क्रिस्पी बना लेते हैं। हमारी टिक्की फ्राई हो चुकी है। अब हम प्लेटिंग करते हैं। प्लेटिंग करने के लिए हमने कटोरी बनाई थी, उसमें हम एक टिक्की इस तरह से डालेंगे। टिक्की डालने के बाद इसमें अब हमने जो मटर बना रखी थी या रगड़ा भी बोलते हैं, उसे हम इसमें डालेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच इमली की चटनी डाल रहे हैं, 1 चम्मच टोमेटो सॉस डाला हमने, इसमें हम 1 चम्मच दही डालेंगे। कटे हुए टमाटर डालेंगे, कटे हुए प्याज, और इसमें हम थोड़ा सा काला नमक डालें, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा काली मिर्च, थोड़ा सा भुना जीरा, थोड़ा सा ऊपर से चाट मसाला। ये सब डालने के बाद देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। अब हम इसमें आलू की भुजिया डालेंगे ऊपर से। बिल्कुल मन कर रहा है ना खाने का। अब हमारा कटोरी चाट या आलू टिक्की चाट बनके तैयार है। आप भी बनाइए जब मन हो आपका खाने का, और इंजॉय करिए। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।